तुमने क्यों तकलीफ की? आप ही ने तो कहा था ना कि आपको आलू के पकौड़े खाने। भाई को आलू पकौड़े पसंद नहीं। हम जानते, लेकिन फिर भी हमने बना दी। देखिए, गर्मा गर्म करारे बेसन में लिपटे हुए और साथ साथ में हरी मिर्च की चटनी। अरे काहे फटी साड़ी काहे? अरे हम तो समझते रहे कि तुम अपनी फ्रेंड्स हो, सेलिंग इन द सेम बोट मा। और खुशी जी, आज सुबह सुबह मैंने आपको कितना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट क्यों करता है? यू शुड ऑल्सो सपोर्ट मी ना। बट आप ये देख ली आपकी दोस्ती मैंने। एनीवेज इट्स इनफ। अरे इनके नहीं दी, पहले अर्नव जी खाएंगे। ये लीजिए। नो वे, बहुत ऑयली है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि शीतल को खिलाओ, वो घर की मेहमान है, खातिरदारी करो। शीतल जी खाइए ना, खुशी जी के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े बहुत टेस्टी होते, लीजिए। नहीं, मेरा मेरा मन नहीं, थैंक यू। ऐसा कैसा शीतल बिटिया, आप तो चाय भी पीने से मना किए रही। सच में मन नहीं है। मम्मा आप इस साल भी अरब आपने होमवर्क किया तो चलो होमवर्क करते हैं, चलो। अरे पर शीतल जी खा तो लीजिए, खुशी जी ने इतने प्यार से बनाया है। हाँ हाँ, एक खाने में का है। हाँ हाँ, कुछ नहीं तो ये भूखे पेट की खातिर खा लियो, लियो लियो खा लियो। चलो आरव, पहले तुम्हारा होमवर्क फिनिश करते हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्टी भी होंगे, मैं अपने रूम में खा लूंगी, ठीक है? चलो आरव। पता नहीं ये चांद भी कब निकलेगा। There's no moon. नन्ने नन्ने, अभी वक्त है। ओके नानी जी। बहुत टेस्टी है। पता नहीं शीतल जी ने पकौड़े खाए होंगे या नहीं। आरव ने तो नहीं खाए होंगे, उसे पसंद नहीं है अर्नव जी की तरह। इससे ये बात पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। शीतल जी, हाय। हम बस ये देखने आए थे कि दिवाली के लिए क्या क्या काम करवाना है। ओके। ये पर्दे, पर्दे थोड़े पुराने लग रहे हैं ना, तो नए ले आएंगे। ये ली, थैंक यू। और ये स्टूल, इसे भी ठीक करवाना। बिस्तर, बिस्तर तो ठीक है ना, सब आराम। हाँ। अरे हाँ, बिस्तर के नीचे भी तो सफाई करनी होगी। इसका मतलब है कि शीतल जी ने आलू के पकौड़े खा लिए। आरव कहाँ है? वो वॉशरूम में। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हरी प्रकाश जी, हमारे पास धोबी को देने के लिए कुछ कपड़े हैं, आप जरा आके ले लीजिए। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या भाभी जी, वो आज आपने आलू पकौड़े बहुत अच्छे बनाए। क्या आपने वो आलू के पकौड़े खाए? शीतल मैडम ने दिए, वो कह रहे थे उनका खाने का मन नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन भाभी जी बहुत लाजवाब बनाए, मजा आ गया। इसका मतलब है कि शीतल जी ने व्रत रखा है,
उन्होंने खाना भी नहीं खाया और वो ये बात हमसे छुपा रही है। लेकिन छुपाने की क्या जरूरत है, इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने ये व्रत रखा है वो इंसान यही इस घर में है। आइए आइए। जब भी खाने के बारे में ख्याल आए तो सिर्फ ये सोचना कि खाने में छिपा हुआ मोटापा है और फिर ये सोचना कि आपने ना खा के अपने आप पे कितना बड़ा एहसान किया है। जान तो भी निकलने वाला। अरे शीतल बिटिया जरा यहाँ आई। तो ये है शीतल जी, हमारे अर्णव के कॉलेज की दोस्त। शीतल जी, आपके पति क्या करते हैं? सॉरी एक मिनट, मैं आरव को देख कर आती हूँ। खुशी बिटिया, देखिए तो जान आया कि नहीं। अरे हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ मन, हाँ कल मीटिंग है ना। ये चांद अब तक आया क्यों नहीं? हाय। हाँ, I'm here. कोई खाना नहीं है खुशी, यहाँ कोई खाना नहीं है। जलेबी। Listen, call you back. ये देवी मैया, आप हमारी परीक्षा ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रही है और वो भी खाने के मामले में। बस अब हम खाने के बारे में सोचेंगे नहीं। खुशी, नहीं, ना हम खाने के बारे में सोचेंगे और ना देखेंगे। खुशी एक खा लो, कोई नहीं देख रहा और मैं किसी को बताऊंगा नहीं। आपको क्या लगता है हमने ये व्रत सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि कोई हमें देख रहा है? सिर्फ दिखाने के लिए रख रहे हैं? खुशी मेरा, आपको ये सब मजाक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि हमें भूख लग रही है, हम मानते हैं कि बार बार हमें सिर्फ खाना दिखाई दे रहा है, हमें माफ कर दीजिए। ये सब आपके लिए मजाक होगा अर्णव जी, हमारे लिए नहीं। हम ये व्रत रखना चाहते हैं। सॉरी, हम सिर्फ आपके साथ खुश रहना चाहते हैं अर्णव जी, हमेशा हमेशा के लिए। और हम मानते कि ये व्रत रखने से वो हमेशा और लंबा हो जाएगा। आप इतना भी नहीं समझ सकते। सॉरी, मैं बस, खुशी मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हें बेटर फील कराने के लिए? हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। खास क्यों? क्योंकि हमारा पहला करवा चौथ है। हमने आपके सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और हर साल रखेंगे। खुशी, एक व्रत से इतना कुछ हो सकता है क्या? हमारा तो विश्वास है। Wait.
जी प्लीजी। Wait. हो गया।